तो भाई ये रही अपनी R15 V4 और भाई ये है मेटालिक रेड, और इसमें क्या क्या चेंजेस है वो भी बता देता हूँ। और इतने दिन बाद ब्लॉग क्यों आ रहा है तो भाई सारी चीज़ें बताऊँगा। तो भाई ये अनमोल भाई इन्होंने बाइक लिया, तो भाई बताओ आपने ये वाली बाइक क्यों ली है। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो भाई अभी हम आ रखे हैं सुखना लेक बैक साइड, और भाई आज का ब्लॉग मोटो ब्लॉग नहीं होगा, आज का ब्लॉग होगा अपना न्यू R15 V4 और जो R15 M ली है, तो भाई उसकी डिलीवरी वीडियो में डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। ब्लॉग क्यों नहीं बना पाया वो भी बताता हूँ मैं भी आपको, और इतने दिन बाद ब्लॉग क्यों आ रहा है तो भाई सारी चीज़ें बताऊंगा। तो भाई सबसे पहले भाई ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे, तो ब्लॉग इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि भाई 19 तारीख को मेरे कुछ सीन हो गया था, उसके बाद भाई ना मैं 22 जनवरी को राम मंदिर का कोई ब्लॉग शूट कर पाया, ना मैं 26 जनवरी का शूट कर पाया, ना मैं जो डेली ब्लॉग करता था वो भी शूट नहीं कर पाया, और क्या कहते हैं एक संडे राइड का यहाँ हमारे साथ जो गए थे वही ब्लॉग डाला था, और उसके बाद मतलब थोड़ा था मतलब थोड़ी रीच डाउन ना हो तो इस करके मैं ब्लॉग कुछ भी बना के डाल दे रहा था, तो उसके बाद तो मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया था। तो यार कुछ सीन हो गया था, मैंने एक ब्लॉग में बताया भी था, पर भाई अभी मैं उसके बारे में नहीं कुछ बात करना चाहता हूँ, जब वो हो जाएगा एकदम सही तब आपको बताऊँगा मैं प्रॉपर क्या हुआ था क्या नहीं। और अभी हमारे अनमोल भाई ने अपनी न्यू R15 V4 लिया और अपने विशाल भाई ने भी, तो अभी आपको सीधा बाइक दिखाते हैं। चलिए तो भाई ये रही अपनी न्यू R15 G4 और भाई R15 M नहीं है अभी, क्योंकि यार अभी भाई जो जिस भाई की बाइक है वो अभी काम वगैरह पे गए हैं, और भाई मैंने कहा व्लॉग वगैरह शूट करना है, तो भाई मैं शूट के चक्कर में आ गया जल्दी, तो भाई कोई नहीं वो भी आपको अगले व्लॉग में दिखा देंगे। बाकी यार मैं डिलीवरी का व्लॉग क्यों नहीं शूट कर पाया था वो भी बता देता हूँ, क्योंकि यार बारिश वगैरह हो रही थी और रिसेंटली प्लान बना था कि डिलीवरी है, और बारिश वाइज बहुत ज़्यादा हो रही थी, जब हम बाइक नहीं गए तब भी बारिश हो रही थी, इस करके यार व्लॉग शूट नहीं कर पाए। बाकी जिसकी बाइक थी उसने खुद ही नहीं व्लॉग शूट करा, बाकी अभी भाई से भी मिलाऊंगा जिसने बाइक लिया, तो अभी आप पहले सिनेमेटिक शॉट्स इन्जॉय कर लो बाइक के, फिर आपको बाइक की डिटेल देते हैं। तो भाई अभी आपने सिनेमैटिक शॉट एंजॉय कर लिए होंगे, बताना भाई बाइक कैसी लगी, तो अभी आपको बाइक की डिटेल देते हैं। तो भाई ये रही अपनी R15 V4 और भाई ये है मेटालिक रेड, और इसमें क्या क्या चेंजेस है वो भी बता देता हूँ। तो भाई सबसे पहले जो इसके शॉकर है ना भाई, जो गोल्डन आते थे वो अब ब्लैक आने लग गए हैं, और इधर जो R15 की स्टिकरिंग है ये येलो गोल्ड पता नहीं क्या कर रखा है इन्होंने, और आगे भी फेस पे आता था मतलब येलो सा कुछ वो भी नहीं है, और टायर पे भी आते थे तो एलो एकदम सिंपल है, मतलब ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, और अभी इसका टेम्परेरी नंबर ही लगा हुआ है। और क्या कहते हैं इसकी भाई जो सीट पोजिशन है ना बैक सीट की, ये मेरे को थोड़ी लो लग रही है, मतलब जब मैं R15 पे निखिल वैली की बैठता था ना तो उसमें थोड़ा सा मेरे को हाइट लगती थी बैठने में, ये थोड़ी सी डाउन है, मतलब अच्छी है कंफर्टेबल है। बाकी भाई आप लोग बताना कि आपको भी ऐसा लगता है, बाकी यही कुछ है ज़्यादा चेंज नहीं है, 2024 है जो न्यू वाली है, बाकी भाई अभी आपको उसके ओनर से मिलवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई उन्हें कैसा लग रहा है ये बाइक। तो भाई ये अनमोल भाई इन्होंने बाइक लिया, तो भाई बताओ आपने ये वाली बाइक क्यों ली, भाइयों को राम राम भाई। इस बाइक के लिए भाई मैं 2 साल से वेट कर रहा था भाई, 2 साल के बाद बाइक मेरे को 2024 में मिली है, 22 से स्टार्ट करता कोई लूंगा लूंगा, लेकिन मेरे को 2024 में ये बाइक मिल चुकी है, फिर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है लेने के बाद। जब से लिए बारिश हो रही है आज लेके आए हैं, 7-5 तारीख है, अब उसको राइड वगैरह कर रहे हैं दोनों भाई इसी बाइक के, मज़ा आ रहा है। बाकी संडे राइड के ब्लॉग भी आया करेंगे साथ में, तो डेली आएंगे ब्लॉग छोड़ के। बाकी भाई भाई ने बहुत मेहनत से लिया भाई, यार मतलब मिलता ही नहीं था यार, इतना काम में बिजी था ना इसे लेने के लिए, तो
बाकी कोई नहीं, अब तो आ गई, अब तो फुल मस्ती आएगी। बाकी यार, बाकी R15 तो पता ही है, एकदम सुपर बाइक वाली फील भी देता है और जो इसके स्पोर्ट्स में दिखती है ना भाई, बड़ी खतरनाक दिखती है। बाकी आप लोग बताना भाई आप लोग को कैसी लगी। बाकी यार अब मैं कोशिश करूँगा कि ब्लॉग वगैरह मैं डालूँ थोड़ा जल्दी जल्दी, क्योंकि यार भाई 6-6 का गैप हो रहा है, मेरे को खुद अच्छा नहीं लग रहा। बाकी आप लोग रील वगैरह देख लिया करो इंस्टाग्राम जाके ओन बोर्स वाली, अब थोड़ी मैं अच्छी अच्छी कॉन्टेंट लेके आ रहा हूँ उस पर भी, तो भाई फॉलो कर लेना, इंस्टा आई डी आ रही होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।